हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने टाइटल पढ़ लिया है कि मैं आज बात करने वाली हूँ वीवॉश के बारे में। सो ये टॉपिक सिर्फ लेडीज लोगों के लिए है। सो लेडीज ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करिए, अगर यूजफुल लगे तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मैं आज बात करने वाली हूँ वीवॉश की। सो वीवॉश कैसे यूज करते हैं, वीवॉश को क्यों यूज करना चाहिए, वीवॉश यूज करने से बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, एक्चुअली वीवॉश हाइजीन करने के लिए होता है हमारे प्राइवेट एरिया को। सबसे पहले आप अपने प्राइवेट एरिया को, वजाइना को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करना एंड हाइजीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नो, इसके ये वीवॉश की बात करूं तो इसमें है यूनिक पीएच बैलेंस फॉर्मूला विथ लैक्टिक एसिड। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो इनरिच्ड है एक्चुअली सीबकथॉर्न ऑयल से एंड इसमें है टी ट्री ऑयल। सीबकथॉर्न ऑयल बहुत ही रेयरली मिलता है, हिमालयाज में मिलते हैं सीबकथॉर्न ऑयल। वो जो ऑयल होती है वो बहुत ज्यादा यू नो, बेनिफिट होता है हमारे स्किन के लिए। सो टी ट्री ऑयल के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि टी ट्री ऑयल भी हमारे स्किन की जो यू नो, जैसे कि ड्राई एंड बहुत ज्यादा ईचिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है तो वो सारी चीजों को ये यू नो, सॉल्व करता है ये सारी प्रॉब्लम्स। एंड सीबकथॉर्न ऑयल एंड टी ट्री ऑयल मिलके ही वीवॉश को बनाया गया है। इसे मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। सो गाइज, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर करूं और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉपर टाइम है बिकॉज आई एम अ ट्विन्स मदर। जैसे कि मैं दो बेटियों की मम्मी हूं तो ऑब्वियसली मैं ये सारी चीजें उनसे भी खुल के बोल सकती हूं और वो अभी 11 इयर्स के हो चुकी हैं। तो आप कोई भी एज में हो तो आप इसे यूज कर सकती हैं। सो आप 10 इयर्स के एज से ही अपने बच्चों को भी ये इंट्रोड्यूस करा सकते हो, वीवॉश यूज करना उन्हें आप दे सकते हैं। और ये वैगन फ्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट दिया हुआ है तो उससे हमें पता चल जाता है। और अगर मैं आप इसकी वीवॉश के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें जब भी आप पीरियड्स का टाइम होता है उस टाइम पे भी आप वीवॉश यूज कर सकते हो। जब भी यू नो, ऑफिस गोइंग या फिर हाउस वाइफ आप अगर बाहर काम करते हैं या फिर घर में ही रहते हैं, सो लेडीज वीवॉश आप बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगी नहीं है ये, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होती है। आप इसकी स्टार्टिंग रेंज होती है कुछ 45 रुपीज, सो आप वहां से ये यू नो, परचेज कर सकते। तो 45 रुपीज स्टार्टिंग रेंज होती है वहां से, यू नो, वहां से अगर आप स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप स्टार्ट कर सकती हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जब भी आप बाहर जाते हैं, हम एवरी लेडीज बाहर जाती हैं यू नो, उस टाइम पे पीरियड्स के टाइम पे सो बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ज्यादा यू नो, ईचिंग की प्रॉब्लम उस टाइम होती है। समर टाइम पे भी, समर सीजन जैसे चल रहा है तो समर सीजन में भी यू नो, जब भी हम बाहर जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा प्राइवेट एरिया में ईचिंग की प्रॉब्लम आती है। और अगर ज्यादा हेल्दी बॉडी होती है तो बहुत ज्यादा यू नो, रैशेस वगैरह हो जाती हैं। जब भी हम चलते हैं, वॉक करते हैं, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। उसके लिए आप वीवॉश जरूर यूज करिए, वीवॉश के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपने इसे कंटिन्यू यूज किया तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेडीज जरूर यूज करिए वीवॉश। एंड मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का बस यही एक मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लेडीज लोग इसे देखें और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें और हमारे डे टू डे लाइफ में वीवॉश यूज करना बहुत कंपलसरी होना ही चाहिए। एंड एक चीज मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि आप हम कभी भी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, ऑब्वियसली अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर हमें समटाइम्स ऐसे यू नो, सुलभ शौचालय वाली भी यूज करना पड़ता है। जैसे कि हाल ही में मैं अभी नासिक गई थी, उस टाइम पे भी मुझे यूज करना पड़ा, बाथरूम जो मैं बाहर के थे वॉशरूम मुझे यूज करने पड़े। उस टाइम पे भी मैंने बहुत ही स्मार्टली अपने बैग में वीवॉश को रख लिया था। वीवॉश की आपको मिल जाएगी एक टिश्यू पेपर टाइप वाली यू नो, वो भी आप परचेस करके अपने बैग में रखिए, हमेशा कैरी करिए। सो वो टिश्यू पेपर से भी आप अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन कर सकते हैं, वीवॉश से आप अपने यू नो, वजाइनल एरिया, प्राइवेट एरिया को भी आप क्लीन कर सकते हैं और अपने यू नो, प्राइवेट एरिया को आप हाइजीन रख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है ये आपको अपने यू नो, प्राइवेट एरिया को सबसे ज्यादा हाइजीन रखने की। तो हाइजीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
और जरूर ट्राई करिए वी वॉश. मैंने इसे काफी टाइम से यूज किया है गाइस, इसलिए मैं इसका रिव्यू लेके आई हूँ. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड मम्मी भाभी चाची चाची इन लोगों के साथ में आप जरूर शेयर करिए. एंड आप अगर अपने जैसे हमें स्मेल आती है कभी, अगर हम ऑफिस में चले गए तो फुल टाइम हमें काम करना, 9 to 6 वाला अगर आपका जॉब है तो ऑब्वियसली 9 to 6 वाले जॉब में आप बैठे बैठे पीरियड्स के टाइम भी इसे यूज कर सकते हैं. ये भी बहुत ही अच्छा है, मीन्स मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि आप पीरियड्स में हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं. और पूरे 9 to 6 जॉब है अगर आप बैठे हैं तो एक ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत बैड स्मेलिंग हो जाती है. तो उस पीरियड में अगर आप टाइम निकाल के बीच में जैसे भी आप पी करने जाते हो उस टाइम पे अगर आप वी वॉश यूज करते हो अपने बैग में, एवरी लेडीज आपके बैग में ये वी वॉश होना ही चाहिए. सो वी वॉश